व्यवहार रुजु सूत्र सम भिरुडिम भूता नया ये सात नए जो पहले अध्यात्म में उमा स्वामी ने कहे ये नए ऊपर ही सब पूरा समय सार खड़ा है। ये समझे बिना हमें का बोध नहीं होगा, सच्चे स्वरूप का बोध नहीं था। ये समय सार में कुंद आचार्य ने पहली गाथा से 415 गाथा तक लिखे गए, हमें समझाते कि लिखे गए। और चौथी पांचवी गाथा में तो उन्होंने कहा कि मेरा छल मत करना, देखो इतने बड़े आचार्य और बाहुक पढ़ा से कह रहे एकदम कि जो मैं बता रहा हूँ एक तो विभक्त आत्मा क्या चीज है। ये उन्होंने कहा कि मेरा बताते समय आपको ज्ञान नहीं होगा तो मेरा छल मत करना। तो ऐसे बताते जा रहे हैं एक एक गाथा समय सार में, और पंचस्थिकाय में तो ये बता रहे हैं कि पंचस्थिकाय समझने से क्या लाभ होगा। तो सब कुछ लाभ होगा उसमें, देखो पंचस्थिकाय समझे बिना हमें सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होगा। सच्चे स्वरूप क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो कहा है उन्होंने समय सार में, तो पंचस्थिकाय में यही कहा है कि छह द्रव्य क्या है, नौ पदार्थ क्या है, सात तत्व क्या है, हमें समझना अत्यंत जरूरी है। नौ पदार्थ मुझे उसमें पुण्य पाप मिला दो तो नौ पदार्थ हो जाते हैं, उसमें सात तत्व जीव अजीव आश्रम बंध सौवर निजरा मोक्ष, उसमें पुण्य पाप मिला दो नौ पदार्थ हो जाते हैं। धर्म आकाश ये पांच द्रव्य बहुप्रदेशी का है, तो इनको हमें समझने के लिए अपने जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सच्चे स्वरूप का बोध होता है। ऐसे वस्तु स्वरूप ध्यान में आती है कि सच्चा स्वरूप क्या है, सत्य है, कहा है तीर्थंकरों में नौ पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है, हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए, सद्धांत चाहिए पक्का, तो ही हमें व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सात तत्व और छह द्रव्य महत्वपूर्ण है, हमें इसके लिए पंचास्तिकाय ग्रंथ जरूर ध्यान में लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बिना समझे हमें उसकी प्राप्ति अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, सच्चे स्वरूप को कि छह द्रव्य क्यों जीव अजीव आश्रय बंध और जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ पुद्गल, हाँ जो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, आकाश काल काल तो उसमें लिया नहीं, काल तो लिया नहीं उसमें, मगर आखिरी आखिरी में समझा है उन्होंने, काल द्रव्य भी लिया है आखिरी आखिरी में पंचस्थिका में, आखिरी आखिरी में समझा है काल द्रव्य के बारे में, उसमें भी आखिरी आखिरी में समझा है कि काल द्रव्य क्या है। ऐसा मुझे उन्होंने छोड़ दिया ऐसा नहीं, उसको भी समझा है कि काल द्रव्य की बहुत पांचों द्रव्य का अपने जीव के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, तो अपने को पांचों द्रव्य छह द्रव्य पांचों द्रव्य का अच्छे से समझना है। तो ये आठवीं गाथा में देखो दवी यदि गच्छति ताई ताईं सब्बा वज्ज वज्ज जाहियं चम दवीयं तं भणत्ते अन्नभूतं तु सत्ता दो। इसमें सत्ता का वर्णन करा है उन्होंने द्रव्य अभेद दिखाते हुए, सत द्रव्य लक्षण जो पांचवे नंबर की गाथा में कहा है, सत द्रव्य लक्षण उत्पाद निवृद्ध हो, जो कहा है उत्पाद हुआ उसका व्यय होने के बाद उत्पाद, उत्पाद होने के बाद ध्रुव, वो तीनों उत्पाद हुआ ध्रुव सद्रव्य लक्षण। इसमें सत्ता का स्वरूप ये गाथा में कहा है कि सत्ता तुम्हारी अबाधित है, अनादिकाल से ये जीव अनादिकाल से सत्ता उसकी शाश्वत है, अनादि निधन है, कभी नष्ट नहीं हुई, इसके लिए हमें
इस पंचायती काय को समझना है, ये बता रहे। देखो आगे सत्ता का और द्रव्य के अभेद दिखाते हैं। जो सत्ता मात्र उन अपने गुण पर्याय स्वभाव को प्राप्त होती है, अर्थात एकातार एकता कर व्याप्त होती है, सो द्रव्य नाम आचार्य गण कहते हैं कि अर्थात द्रव्य उसको कहते हैं कि जो अपने सामान्य स्वरूप से गुण पर्यायों से तन्मय होकर परिणत हैं। फिर वह द्रव्य निश्चय से गुण पर्यात्मक सत्ता से जुदा नहीं होता है, सत्ता में ही रहता है। द्रव्य गुण पर्याय अलग से नहीं, अलग अलग है मगर एक है। भावार्थ यद्यपि कथनचित प्रकार लक्ष्य लक्षण भेद से सत्ता से द्रव्य भेद है, तथापि सत्ता और द्रव्य का परस्पर अभेद है। लक्ष्य वह होता है कि जो वस्तु जानी जाए, लक्षण वह होता है कि जिसके द्वारा वस्तु जानी जाए। द्रव्य लक्ष्य है, सत्ता लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य जाना जाता है। जैसे उष्णता लक्षण से लक्ष्य रूप से अग्नि जानी जाती है, वैसे ही सत्ता लक्षण के द्वारा द्रव्य लक्ष्य लखीय जाना जाता है। इस प्रकार पहले जो सत्ता के लक्षण अस्तित्व रूप नास्तित्व स्वरूप तीन लक्षण स्वरूप से रहित एक स्वरूप और अनेक रूप सकल पदार्थ व्यापी और एक पदार्थ व्यापी सकल रूप और एक रूप अनंत पर्याय रूप और एक पर्याय रूप इस प्रकार कहे थे, वे सब पृथक नहीं है, एक रूप ही है। यद्यपि वस्तु स्वरूप को दिखाने के लिए सत्ता द्रव्य के भेद कहते हैं, तथापि वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो भेद नहीं है, जैसे उष्णता और अग्नि एक ही है। तथापि वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो कोई भेद नहीं है, जैसे उष्णता और अग्नि। आगे तीन प्रकार के लक्षण को दिखाते हैं। 10 नंबर की गाथा में दवम लक्षणीयम उत्पाद व्यय ध्रुव सत संयुक्तम गुण पज्जया स्वयं वा जम तम बनंती सवणु। इसमें द्रव्य के तीन लक्षण दिखाते हैं। जो सत्ता के लक्षण जिसका जैसा है उस वस्तु को सर्वज्ञ वितराग देव द्रव्य कहते हैं, अथवा उत्पाद ध्रुव संयुक्त द्रव्य का लक्षण कहते हैं, अथवा गुण पर्याय का जो आधार है उसको द्रव्य का लक्षण कहते। भावार्थ द्रव्य के तीन प्रकार के लक्षण है, एक तो द्रव्य का सत्ता लक्षण, दूसरा उत्पाद व्यय ध्रुव संयुक्त लक्षण, तीसरा गुण पर्यायश्रित लक्षण। इन तीनों ही लक्षणों पहले लक्षण सामान्य या अगले विशेष है सो दिखाया जाता है। जो प्रथम सत लक्षण कहा है तो सामान्य कथन ही अपेक्षा द्रव्य का लक्षण जानना, अनेक द्रव्य अनेक रूप अनेकांत स्वरूप है, द्रव्य का सर्वथा प्रकार सत्ता ही लक्षण है, इस प्रकार कहने से लक्ष्य लक्षण में भेद नहीं होता। इस कारण द्रव्य का लक्षण उत्पाद ध्रुव भी जानना एक वस्तु में अविरोधी तो क्रमवर्ती पर्याय है, उनमें पूर्व भावों का विनाश होता है, अगले भाव का उत्पाद होता है। इस प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुव का लक्षण बताया, द्रव्य अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ता है, जो अपना स्वरूप है उसको तिने आज तक छोड़ा नहीं। कुंती पर्याय हो, मनुष्य पर्याय हो, अपने देव गति में चले जाए, दिरेंज गति में जाओ, पर्याय अपने को अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, वही द्रव्य है। ये उत्पाद व्यय ध्रुव ही द्रव्य के लक्षण है। इन तीन भाव सामान्य कथन की अपेक्षा से द्रव्य से भिन्न नहीं है, विशेष कथन की अपेक्षा द्रव्य से भेद दिखाया जाता है। एक ही समय में ये तीनों भाव होते हैं,
द्रव्य के स्वाभाविक लक्षण है, उत्पाद द्रव्य ध्रुव द्रव्य का विशेष लक्षण है, इस प्रकार सर्वथा कहा नहीं जा सकता। इस कारण गुण पर्याय भी द्रव्य का लक्षण है, कारण कि द्रव्य अनेकांत स्वरूपी है, अनेकांत सभी ही होता है, सभी द्रव्य में अनंत गुण पर्याय हो, इस प्रकार गुण और पर्याय द्रव्य के विशेष स्वरूप को दिखाते, जो द्रव्य से सभूताकार अविनाशी है, वे तो गुण है, जो क्रमवर्ती करके विनाशी है वे पर्याय है। पर्याय तो नष्ट ही होती है ना, पर्याय तो नष्ट ही, हाँ बदलती है, क्रमवर्ती पर्याय विनाशी है वे पर्याय है, वे द्रव्यों में गुण और पर्याय कथनचित प्रकार अभेद रूप है, और कथनचित प्रकार भेद लिए सद्यादि भेद कर जो भेद है वस्तुतः अभेद है, यह जो पहले तीन प्रकार द्रव्य के लक्षण के उसमें से यदि एक ही कोई लक्षण कहा जाए तो शेष के दो लक्षण भी उसमें गर्भित हो जाते हैं। यदि द्रव्य का लक्षण सत कहा जाए तो उत्पाद व्यय ध्रुव और गुण पर्यायवान दोनों लक्षण ही गर्भित होते हैं, क्योंकि जो सत है और व्यय होता है, इस प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुव सत लक्षण के कहने से आते हैं और गुण पर्याय लक्षण भी आता है। गुण के कहते ध्रुवता आती है और पर्याय के कहते उत्पाद व्यय आता है, और इसी प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षण कहने से सत लक्षण आता है, गुण पर्याय लक्षण भी आता है, और गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण कहते सत लक्षण भी आता है, और उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षण भी आ जाता है, क्योंकि द्रव्य नित्य अनित्य स्वरूप है, लक्षण नित्य अनित्य स्वरूप को सूचन करता है। इस प्रकार इन तीनों लक्षणों में सामान्य विशेषता करने से जो भेद आता है वास्तव में उसमें भेद है ही नहीं, तीनों ही एक ही बताए उन्होंने। इसमें द्रव्य गुणों पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव सत द्रव्य लक्षण, तीनों ही द्रव्य के लक्षण ध्रुव बताए, इसको हमें समझना है। ये समझने से हमें क्या फायदा, अपने जीवन में क्या व्यवहार में क्या फायदा होगा, ये समझने से हमें सच्चे स्वरूप का बोध होगा, सच्चा स्वरूप हमारा क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये जो द्रव्य के लक्षण बताए उन्होंने, ये समझ में सहज रूप से आता है कि हम गलती कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, क्या व्यवहार से क्या कर रहे हैं। इसे कुंद आचार्य ने 11, 12, 13 नंबर की गाथा में समय सार में यही बताया, व्यवहार से बताया उन्होंने, ये हमें समय व्यवहार छोड़ना ही चाहिए, व्यवहारिक भी करना ही चाहिए, यानी निश्चय से भी हमें जानना चाहिए, तो व्यवहार भी न छोड़ते हुए व्यवहार निश्चय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यही हमें समझकर अपने सत्य स्वरूप का बोध होता है, हमें जानना चाहिए, नहीं जानने से हमें क्या सत्य स्वरूप है हमें पता नहीं चलेगा, हम क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं और कौन से मार्ग से जा रहे हैं, हमें समझने के लिए हमें सच्चे स्वरूप का बोध होगा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। दादियों का पुराने जमाने में नाम था रैण मंजूसा, देखिए
वाली कहानी आती शिवपाल खाना सुंदरी अठैयों का पर्व, उसकी बहन का नाम क्या होता है? पत्नी का नाम रेण मंजूषा। किसकी पत्नी? शिवपाल की पत्नी रेण मंजूषा। उसे एक नाम खूब, तो रेण रत्न को बोलते हैं, मंजूषा पेटी को बोलते हैं। तो जितने सारे रत्न हैं, तीन लोग में जो महान महान रत्न हैं, जो जो उत्तम, कोई बोलते हैं हमें समाज के रत्न हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, ये तो हीरे हैं, हीरे है वो इंसान। हीरा मतलब क्या? पत्थर जो चलता नहीं है, खिलता नहीं है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। क्या बोलते हैं हीरे? हीरे मतलब बहुमूल्य। हीरे मतलब क्या? बहुत ज्यादा आदर दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ये जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर की शोभा बढ़ जाती है। हीरे मतलब क्या? आपके शरीर की, आपके अंगों की शोभा आपकी बढ़ जाती है। तो वो सारी चीजें जो ये धरती पर, जो परिवार को, समाज को, राजनीति को, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जिन चीजों में शोभा बढ़ती है, उन सारी महत्वपूर्ण, सारी बहुमूल्य वस्तुओं में जो सार है, सार मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सुंदर है, कीमती, उसको सार बोलते हैं। और चाहे रेण सार हो, चाहे समय सार हो, कोई सा भी सार हो, है ना, तो सार उसको बोला जाता है। तो यहाँ को सार बोलते हैं। और सार किसको बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में? नहीं, बुंदेलखंड का सार, सार किसको बोलते हैं? गाय भैंस जहाँ पर, हाँ क्या बोलते हैं? सार बोलते नहीं बोलते हैं, क्या है वो बताओ? बंधती है, जहाँ गाय भैंस को बांधते हैं, उस सार को बुंदेलखंडी भाषा में सार बोलते हैं। सार बोलते हैं उसका, उस जगह को हिंदी में क्या बोलते हैं? तबेला, है ना, तबेला। जहाँ पे गाय भैंस रहती है, गाय भैंस मतलब क्या? कि वो जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें दूध का सहारा मिलता है, उन्हें जीवन का सहारा मिलता है, उन्हें आधार मिलता है। आपको दूध मिलता है, उन गाय को जीवन का सहारा मिलता है। अगर वो दूध नहीं देंगे तो कौन पालेगा, कौन उनकी रखवाली करेगा, कौन उनकी, इंसान इतना स्वार्थी का लोभी होता है। जब तो मुझे बताया किसी सरकार का नियम भी है, भैंस जहाँ दूध देगा बंद करें, काट डालो उसको, सरकार का नियम है, पूरा बकायदा रेट होता उसका, सरकार में पूरा हालों से रेट होता है कि इतने रुपए किलो। तो वो कई सारे जो युवक लोग होते हैं, कई सारे धर्मात्मा जी होते हैं, वो ऐसी भैंसों को, गाय के लिए भैंस का नियम है, ऐसी भैंसों को जो दूध नहीं देती, जो कतल खाने पहुंच जाती है, तो उनको खरीद लाते हैं। उनका जो वजन होता है, उतने वजन के हिसाब से एक किलो के जो भी 30 रुपये होते हैं, 20 रुपये होते हैं, एक किलो के हिसाब से 50, मुझे आइडिया नहीं कितने रुपये होते हैं, तो खरीद के ले आते हैं, जिंदगी भर उन भैंसों की सेवा करते हैं। युग ऐसा अभिषेक उसका नाम है, यहीं कहीं पास में रहे, मुझे बता रहा था कि वो इस गाय को, तो कोई भी गो माता हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, सब गाय की बड़ी भारी महिमा कही गई है। भीमसेन स्वामी गाय के लिए लिखते हैं क्या? या श्री सा गौ, संस्कृत इतना ज्यादा, तो यहाँ कहा क्या कहा गया है कि दुनिया में जो जो समृद्धि है, दुनिया में जो जो वैभव है, दुनिया में जो जो दौलत है, वो क्या है? वो गाय है। गाय मतलब क्या? दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बहुमूल्य कीमती गाय को मान लिया है। और ऐसे वैष्णव परंपरा में जब कहते हैं कि समुद्र का जब मंथन हुआ तो क्या रत्न निकले, तो लक्ष्मी भी रत्न है, घोड़ा भी निकला, और वो मणि भी निकला, और ये अमृत भी निकला, और ये वो रत्न निकले। तो मतलब बहुमूल्य चीजों को रत्न की उपमा संज्ञा दे दी जाती है। रत्न में चमक होती है, रत्न के अंदर चमक होती है। तो यहाँ आदर्शी बोलते हैं कि बाहर की चमक फीकी पड़ जाएगी, धुंधली पड़ जाएगी, ये चमक ऐसी चमक है कि चमक कभी फीकी धुंधली पड़ने वाली नहीं है। इसको रत्न की उपमा दी गई है। तो इसके छठवा जो अधिकार है, छठवा 6 नंबर का जो उसका वो है, लेसन है, उसके अंदर 42 नंबर का, 42 नंबर का जो श्लोक है, उसके अंदर कहा गया है लोई जन संघा को, क्या शब्द यूज किया है? लोई है। अब लोई शब्द यूज किया है, और लोई शब्द कई सारे जगहों पर कई सारे अर्थों में उपयोग किया जाता है। लोई का मतलब आटे की लोई भी बनती है,
आटे जब पूरी बनाते हैं तो लोई बनती है, पराठ क्या पापड़ बनाते हैं तो लोई बनती है, रोटी बनाते हैं तो उसकी लोई बनती है, और बड़े वाले क्या बोलते हैं लोया, क्या बोलते हैं लोया, बड़े लोया बोलते छोटे वाले लोई बोलते हैं लोई। और फिर क्या होता है जब बच्चे की वो करते हैं मालिश करते हैं बचपन में, तो बेसन के अंदर कुछ क्या तेल होते क्या डालते हैं, दो पान हल्दी तेल दूध दो पान सात चीजें डालते हैं और बच्चे की उससे लोई करते हैं, उसको भी लोई बोलते हैं। एक शब्द ढेर सारी जगहों पर ढेर सारे अर्थों में उपयोग होता है, लेकिन यहाँ किस अर्थ में उपयोग किया है, लोई एक जड़ संकार हो, लोई जड़ मतलब क्या है, जो लौकिक जन है, मतलब जो जिनके धर्म अध्यात्म विशेष रुचि नहीं है, जो आत्मा परमात्मा को इतना ज्यादा नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों की संगति करने से क्या होता है, महामेहर कुटिल दुर्भाव लोई संगम तमा लोई त्रिहीण मच्छा हो। आकाश यहाँ पर लिखते हैं और एक सुंदर किताब मेरे पास में आई है, प्रसादवती माता जी ने इसकी हिंदी का अनुवाद किया है, ज्ञानपीठ जैसी बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त संस्था ने इसको प्रकाशित किया है, तो एक शब्द का इसमें अर्थ दिया हुआ है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितना बड़ा नाम जिनका इस संसार में दुनिया में अध्यात्म के धर्म के क्षेत्र के अंदर आचार्य पूज्यपाद के ग्रंथों पर के विदेशी लोग पीएचडी कर रहे हैं, आज सर्वासिद्धि का अध्ययन कीजिए, वैष्णव परंपरा में कई जो बड़े बड़े महान महान ग्रंथ हैं उन महान ग्रंथों में सर्वासिद्धि में क्या तालमेल है वो बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। अध्यात्म सबका एक ऐसा मोक्ष में सबको जाना है, मोक्ष सबको चाहिए, इन मोक्ष का स्वरूप और जाने की विधि इनमें धर्म और संस्कृति के साथ थोड़ा बहुत खेल पर अंतर हो जाता है, आपको भी एक विहार आना है, जो उधर से एक विहार आएगा उसके लिए अलग रास्ता है, जो उधर से इस मंदिर में आएगा उसकी अलग रास्ता है, जो पीछे से आएगा उसकी अलग रास्ता है, जो आगे से आएगा, लेकिन आना सबको इसी मंदिर जी के अंदर ही उद्देश्य ही मुकाम ही गंतव्य है। अब ये अलग बात है कि रोटियों खाई जाती है, रोटियों खाई जाती है ना, यूं उठाइयों एक सबसे सही तरीका भोजन करने का। अब गृहस्थी जी में तो आपने वो जो भी रोटी का टुकड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं कॉर्न ग्रास क्या बोलते हैं बाइट है ना, उसे रोटी की कोई एक टुकड़े करता है, कोई सीधी पूरी पहलवान पूरी रोटी खा जाता है, लेकिन आपकी बात नहीं घर वालों के तो बिना चीज को, और कोई कोई ऐसा भी होता है कि वो पांच सात टुकड़े करता है, कोई ऐसा होता है कि चार सामान्य रूप से लोग चार उसके पीस बना लेते हैं है ना, तो वो जब पूरी होती पूरी पूरी एक बार खाते, कई तो ऐसे भी होते हैं कि एक तो ऐसी है तो दो दो दिन पूरी एक साथ घटता है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं पड़ोसन की बात कर रहा हूँ, तो क्या तो एक साथ तीन तीन खाकर पूरी एक साथ दबा जाते हैं खा जाते हैं, फिर भी उनको लगता है कि आराम से क्या बात है भोजन ही। अब जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं या कोई ऐसे भी जिनके पुण्य का भोजन होता है ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं खाके बढ़ लेते हैं, फिर भी उनकी पिछले दिन का पुण्य का मौका हो गया है तो उनकी इतनी जठरावन इतनी भूख उनकी तीव्र होती है कि वो सब कुछ हजम कर जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होता बेचारा सिंपल दाल रोटी खाता वो भी उसको मेहनत करने के बावजूद हजम नहीं हो पाती, अपनी किस्मत है अपना पुण्य पाप नसीब अपना, तो सारी बातें हैं। तो पुण्य पाप कैसे पैदा होता बताइए, किस्मत नसीब कहाँ से आता है, कहीं किस जन्म में हमने भगवान की धर्म की शरण में गए थे तो धर्म की शरण में जाने का फल क्या मिला, आज ऐसा नसीब मिला है कि बिना किसी प्रयास के बिन चाहे बिन मांगे सब कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। आप जितने लोग बैठे हैं और भी ढेर सारे लोग हैं, खाने को दो रोटी मिल रही मिल रही है मिल रही है, खाने को दो रोटी मिल रही की मिल रही है मिल रही है, आराम से आप ठाठ से ठप्पे से मजे से मिल रही है, कुछ काम धाम नहीं करना पड़ रहा है, पर्याप्त पैसा है, बना रहे लोग लोग नहीं बढ़िया आराम से बैठे बैठे खा रहे हैं, कोई आपको रोटी कमाने के लिए कहीं गड्ढा खोदने पत्थर तोड़ने नहीं जाना पड़ता है, जब बाहर की इतनी अनुकूलता है मिल रही है, बाहर का सब कुछ इतना सारा मिल चुका है कि बड़ा भारी परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, दाने दाने को मोहताज नहीं होना पड़ रहा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि वो नहीं चाहिए फिर भी उनकी बहू है या उनकी बेटी है या उनका नौकर है या वो होटल वाला है या वो टिफिन सेंटर वाला है नहीं चाहिए तो भी थाली में दस चीजें जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं कि दस चीज आई फिर बोल गया यारी चीज तो आई नहीं, वो पापड़ तो आए नहीं,
वो चटनी तो आई नहीं, वो अचार तो मिला ही नहीं, मुरब्बा तो आज थाली के अंदर है ही नहीं, तुमने किया क्या, तुम करती क्या रहती हो, मुझे मुरब्बा नहीं बनता है, तुम एक अचार नहीं बना सकती हो, पूरा सीजन निकल गया, पूरा मौसम निकल गया, तुम एक किलो केरी लेके नहीं आई, किया क्या तुमने, एक किलो नींबू का तुम अचार डालते नहीं बनता है, उस तरह ही समझाओ उसको, समझ में नहीं आती है। बल्कि यूं कहते हैं आलू प्याज से लाख गुना ज्यादा पाप और दोष किसके अंदर है, अचार में, बड़ी में, पापड़ में, पता होगा ज्यादा पाप वाली चीजें इंसान छोड़ता, डॉक्टर भी मना करता है आलू प्याज से, फिर भी शायद कभी कोई कहे कि जी उससे ये वाला फायदा वो वाला फायदा, मेडिकल साइंस के हिसाब से हार्ट की इसके लिए उसके लिए, लहसुन से बोलते हैं हार्ट तो बोलते हैं ऐसा, जो भी है लोग की सोच है इस तरह की, कई लोग तो कई जैन लोग दुनिया भर की जिम्मेदार का त्याग करते बोले महाराज अदरक की चूप रखिए सर्दी खांसी खांसी जुकाम बुखार होता है महाराज, और वो दूसरा क्या लहसुन की चूप रखिए भगवान के हार्ट की प्रॉब्लम होगी। भोजन का मन भी क्या पड़ता, बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा साइंस है, मेडिकल साइंस, डॉक्टर लोग तो खाने पीने की चीजों का हार्ट पर, किडनी पर, लीवर पर, दिमाग पर कहां क्या प्रभाव है उस पर रिसर्च करता है, क्योंकि इससे लाख गुना एडवांस रिसर्च खोज अनुसंधान प्राचीन काल में आचार्यों की हो चुकी है। उसके बाद तामसी भोजन, जिन वस्तुओं के खाने से तमस पैदा होता है, तमस मतलब क्या, उत्तेजना पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, बदले की भावना पैदा होती है, वासना, घर जी ने वासना पैदा की रुचि नहीं है, पर ऐसी खतरनाक वासना पैदा हो जाए कि इंसान मंदिर में हो और वो हर महिला को, हर बहू को, हर बहन को, हर बेटी को उसी नजर से देखे तो वो चीज उचित नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो प्याज है, लहसुन है, तेज गंध वाली चीजें, जितनी तेज गंध वाली चीजें, इवन शास्त्रों में इतना तक कहा है नराजों की इत्र का, शेंट का, इन चीजों का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का त्याग होता है। ठीक है कि गर्मी का मौसम होता है तो कभी कोई धर्मात्मा जी होते हैं महाराज को बहुत गर्मी लग रही है, दुनिया भर के बाजार में तेल मिलते हैं, नवरत्न तेल और जाने कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं जानता हूँ, मेरे को पूरा सो पड़ता ही ठंडा ठंडा मिश्रण झूठा भयन होता है, पीपरमेंट डाल देते हैं उन चीजों के अंदर जो चमड़ी के ऊपर ऐसा लगता है कि ठंडा है, पीपरमेंट खाओ आप, पीपरमेंट खाओ, वो पीपरमेंट उन चीजों के अंदर डली होती है, वही तो अमृतधारा भोजनी पी जाती है, कि 10 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार मात्र औषधि रूप में मात्र 2 बूंद ज्यादा नहीं ली जाती है, जहर जहर। पुराने जमाने में अमृतधारा जब बनती तो पीपरमेंट है ना और कपूर और अजवान का फूल, अजवान नहीं अजवान का सब या उसको फूल बोलते हैं उसको, ये चीजें देशी पौधों से बनती थी, देशी विधियों से बनती थी, शरीर को बड़ा फायदा करती थी, लेकिन आज कहाँ कपूर है, कपूर खूब देखते वो सब कभी सारा केमिकल है, रियल कपूर है ही नहीं, रियल अजवान का फूल तो है ही नहीं, रियल पीपरमेंट तो है ही नहीं, अब जैसे गुलाब का चंदन का जो सेंट होता है, चंदन का जो तेल होता है बड़ा ठंडक पैदा करता है, अब बाजार में चंदन का सेंट लेके आओ चाट लो उसको जीभ में जलन हो जाएगी, थोड़ा पिए 2-4 बूंदे, जो चंदन का तेल बाजार में मिलता है, चंदन का सेंट मिलता है, 2-4 बूंदे पानी में घोल के पी लो, जलन पैदा हो जाएगी गले में छाती के अंदर, पूरा केमिकल शुद्ध 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 केमिकल होता है जो बड़ा खतरनाक भयंकर नुकसान करता है, लेकिन समझ नहीं पाते, कई सारी बात ऐसा नहीं होता है कि मैं आंखें बंद करके बैठा हूं, मैं कुछ भगवान की कृपा है कि बचपन से नाम कुछ ज्यादा ही तेज है, आंखें बंद करके बैठा हूं मैं, मुझे 10-12 अलग अलग तरह की सुगंध नजर आती है, मैं समझ जाता हूं आज मंदिर जी पे बड़ा भारी प्रोग्राम है, कोई शादी है, कुछ पार्टी है, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, मंदिर के अंदर ही नहीं कोई उत्सव के फंक्शन जैसा कुछ होने वाला है, हरियाली दिखे बुरा पड़ा कि वो कुछ खूब सारी महिलाएं माता बहन की बेटी आई थी, तो आपने जो भी महिलाओं का जो अपना श्रृंगार होता है, जो अपने दुनिया के सेंट परफ्यूम डीओ प्यू जो कुछ भी होते हैं, तो वो सब कुछ प्रादर्शी बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो भोग विलास की वस्तुएं होती है कभी कभार की बात अलग होती है, माताएं बहने हैं कभी कभार शादी हुई पार्ट कभी कभार की बात अलग होती है, ये रोज का शौक बना लेना कि रोज ईद चाहिए, रोज पाउडर चाहिए, रोज सेंट चाहिए, रोज डीओ चाहिए, रोज परफ्यूम चाहिए,
रोज पाउडर लगाना है, रोज साबुन लगानी, रोज शैंपू लगाना है, भगवान आपके शरीर का सत्यानाश हो रहा है। शरीर की नेचुरल खुशबू है जो प्राकृतिक सुगंध है, वो प्राकृतिक सुगंध आपके शरीर की खत्म हो रही है। आपने कुदरत ने या किस्मत ने यस ब्रह्मांड ने इस एग्जिस्टेंस ने यूनिवर्स ने या आपके अपने कर्मों ने जो कुछ आपको दिया है उसको आप मार रहे हैं, उसका खत्म कर रहे हैं, उसका नष्ट कर रहे हैं उसको। और जब आपके शरीर की खुशबू जब बदल जाती है डियो परफ्यूम से तो साबुन और इससे उससे, तो उससे फिर क्या होता, उससे ये होता है कि आपके रिश्तों पर बड़ा भारी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपने इन चीजों का अध्ययन में बहुत सारा अध्ययन किया है। कुत्ता मुझे ध्यान नहीं आया शायद 50 या 40 तरह की अलग अलग खुशबू कुत्ता पहचान लेता है। अपना शर्ट यहाँ छोड़ के चले गए, आपने चोरी करी तो पर्स यहाँ पे छूट गया, आपके रुमाल का टुकड़ा यहाँ पे छूट गया, वो कुछ नहीं छूटा, आपने कुछ भी अपनी वस्तु को नहीं छोड़ा, कुत्ता सूंघते 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 चोर तक पहुंच जाता है। इतनी उसकी तेज उसकी नाक होती है, ये खुशबू आपके परिचय देती है। पिक्चर गाने भी है, जब एक दिन से प्रवचन दिया तो बच्चों ने मुझे बताया कि गाना क्या, तेरी खुशबू से तुझे पहचान लूंगा मैं। ये दादी इतनी तेज होती थी, उनके कान ये तेज होते थे। रस की बात है, इतना लंबा घर था और वो सबसे आखिरी वाले इतना बड़ा घर आगे बोला पीछे बोला, जब बचपन छोटे की बात है तो वो सबसे पीछे वाले कमरे में है और वो बिल्कुल आवाज से बता देती थी कि सबसे आगे वाले कमरे में कौन आया है। परिचित आया तो नाम बताती थी, वो नहीं हो तो फिर वो बता देती कोई अपरिचित व्यक्ति आया जो उसको हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। सूंघ करके मात्र सूंघ करके आपकी सुगंध से मालूम पड़ जाता कितने पैसे वाले हैं या बनने वाले हैं। आपके चलने को देख करके, पहले जब शादी ब्याह पहले के मान जब शादी ब्याह के रिश्ते होते थे धर्म पूर्णी ना होती थी, लेकिन इसके बाद ये भी नहीं किसी को उठा के ले आ सकल देखा थे, ऐसा तो नहीं होता था। चेहरा देखा जाता था, नाक का साइज क्या है, सेहत की आंखें कैसी, भौंक कैसी, शरीर कैसा डिविड और बदन कैसा है, उंगली किस तरह कितनी लंबी उंगली कितनी उनमें छेद है, पैरों का एक बड़ी परीक्षा होती थी उस बेटी की। पानी डाल देते थे दरवाजे के बाहर, और उस जमाने में कालीन वालीन तो होती नहीं थी, तो एमबीओ की बात है लेकिन 99 घरों में की दुनिया के चटाई है, तो अभी अभी बनने लगी कोई 10-25 सालों के अंदर, पहले घरों में चटाइयाँ फटाई इतनी सारी दरी चलता कुछ नहीं होते थे, सीधी सी बात गोरी गोरी बिछा देते, सिंपल सा होता था। तो जब शादी के लिए लड़की देखने जाते थे या लड़की को लड़की वाले उसकी बेटी को लेके आते थे तो दरवाजे के बाहर पानी डालते थे, और मार्बल के फर्श सुहाने में नहीं हुआ करते थे, लाल पत्थर के फर्शी हुआ करती थी, गोबर के कुछ ऐसे कच्चे मकान लिपे हुए होते थे, अमीर घरों में पत्थर की फर्शी होती थी और मध्यम वर्ग की घरों के अंदर गरीब घरों के अंदर गोबर से जमीन लिपते थे, तो उसका पैर गीला होता था, वो पैर के निशान से मालूम करते थे। I don't know, वो कौन सी भाषा का एक आवर्त है, इतने सारे राज्यों में घूमे अलग अलग भाषा सीखते हैं, अलग अलग के लोगों के परंपराओं के संपर्क में आते, तो कई सारी बार दिमाग से निकल जाता कि ये भाषा किस शब्द, ये शब्द किस भाषा से निकला है, कि ये परंपरा किस देश के अंदर प्रचलित है, तो जिसमें का पेट पूरा चपटा होता है वो दुर्भाग्यशाली मानी जाती है कि पेट में छेद जैसा होता है, तो बकायदा पंजे का निशान बनता है। बच्चे के निशान को देख के बुजुर्ग समझ जाते थे कि बहू घर में आएगी तो अगर बहू बन के आएगी तो उधर जाएंगे गड्ढे में जाएंगे, सब कुछ मालूम पड़ता था। तो ऐसा भी होता था कि बेटा बड़ी उम्र का हो गया तो मेरी शादी हो रही है, अब जो मिले उसको ले जाओ, उसको जो होगा सो दी, उस जमाने में तलाक तलाक नहीं होते थे, तो जरा सा कुछ हुआ मैं चली हूँ मायके, मायके चले जाते तलाक के पेपर भेज देती है, बच्चा कट कटवा दे दुनिया भर के। मैं कई सारी महिला जजों से मिला हूँ, मैं कई सारी महिला वकीलों से मिला हूँ, मैं महिला जजों ने महिला वकीलों ने ही मुझे बताया मुझे, महिला पुलिस ऑफिसर ने ही मुझे बताया, मैंने खोद खोद के बहुत बारीक से जानकारी निकाली। 90% जो आरोप लगाती महिलाएं कि अमुक
उसने रेप किया, जाति करी या शादी के बाद में मारा पीटा और वो मेरे साथ बड़ा अत्याचार जुलूम किया, 90% केसों में महिला झूठी होती है। 90% केसों में जब वो जान बुझ के शादी करते हैं पैसे ऐंठने के लिए, देखा सर पैसे वाला है फंसाओ उसको, शादी करते हैं वो जान 4 महीने 6 महीने हुए तुरंत 10 लाख निकालो, 20 लाख निकालो, जैसा पैसा 50 लाख निकालो। अब करोड़ की बात है, करोड़ वो लोग मानते हैं कि पैसे वाले घर में शादी तो करोड़ के मानते हैं, कहा तो भिखारी की बेटी करोड़पति का जाल में प्रेम जाल में मोहब्बत में फंसा लिया, शादी कर ली, वो जहाँ 4-6 महीने भी जीतते हैं करोड़ों का दावा ठोक देती है। वकील भी समझते हैं और पुलिस ऑफिसर भी समझती है, वो केवल लेडीज सेल जो होती है, लेडीज लेडीज की पैरवी के लिए वकालत के लेडीज जज ही होती है, सबको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो पूरा ड्रामा चलता है, महीने 2 महीने 4 महीने पूरा ड्रामा चलता है कि वो सबूत लेके आओ, ये सबूत लेके आओ, उसकी गवाह सुनो, इसके गवाह सुनो। तो लास्ट में कानून भी ऐसा है, इसे महिला ने एक बार बोल दिया पुलिस में जाकर के, अमोक उसने मुझे छेड़ा है, कोई तहकीकात में नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, सीधा उसको उठा सीधा उसको रेल के अंदर डाल देते हैं, तहकीकात इंक्वायरी हो सब बाद में अपने हिसाब से फिलहाल तो तुम पढ़ो जेल के अंदर। आजकल मीटू वाला कानून और आ गया है, मीटू अंग्रेजी बोलते हैं मीटू, मतलब मैं भी, किसी महिला ने किसी पुरुष पे आरोप लगाया, जात अच्छा नहीं पीता किसी दुर्व्यवहार के साथ में किया है, जाति करने की कोशिश कर जाति करी मेरे साथ में, तो फिर जो बाकी जो महिलाएं जो बाकी जो लेडीज लोग होती है वो बोलती है 20 साल पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 10 साल में इसी इंसान ने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। एक मेरिट मारन वाली कहानी विश्वभूषण कहानी है, उस महिला ने अपने बाप के ऊपर उसने आरोप लगाया, वही के आरोप में उस महिला ने बाप के ऊपर उसने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया उसने अपने बाप के ऊपर, इसी मतलब रैप किया है, अब परिवार के लोग फाड़ लग गए, कुछ कहे कि झूठ बोलती कुछ के सच बोलती, बाप को इतना सदमा लगा बाप को सदमे से मर गया, और बाप के मरने के बाद उसी महिला ने स्टेटमेंट दिया कि मैं झूठ बोली थी, मैं गलत थी, मुझे हो गई थी, मैं झूठ बोली थी मैं। तो इंसान जो सोचता वो हाल में चली होता है, लौकिक जनों की संगति का यहाँ पर उदाहरण दिया है, लौकिक जनों की संगति में आप तो फिर क्या कलह कलेश पैदा हो जाएंगे, जिन लोगों के साथ में बैठोगे अपने चेक करो चरित्र कैसा, कैरेक्टर कैसा, स्वभाव कैसा, व्यवहार कैसा उन सारे लोगों का। कई बार कहा हूँ मैं, लोगों को बहुत चोट लगती है, लोगों को दिल पे इतनी चोट लगती है, लोगों को इतना ज्यादा बुरा लगता है, बेचारे बोल नहीं पाते किस चीज की चोट लगी, बेचारे बता नहीं पाते। एक बात बोलता हूँ मैं, जिस पंडित विद्वान का आप सुन रहे हैं, जिस पंडित को जिस विद्वान का आप सुन रहे हैं वो उस लायक है कि नहीं है, चेक तो करो, पता तो करो, शावक का आचार उसके अंदर है कि नहीं है, बड़ी बड़ी बात कोई भी कर सकता, उसमें क्या बड़ी बात है। अपने अपने समय सार के ऊपर कई विदेशी लोग पीएचडी करते हैं, महिलाएं अशुद्धि के दिनों में समय सार को पढ़ती हैं, जांच पर रख करके, पैर पर रख करके, जमीन पर रख करके, उनके लिए ग्रंथ नहीं है, उनके लिए वो अध्यात्म की चीज नहीं है, उनके लिए किताब है, पीएचडी करेंगे बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया पैसे मिलेंगे और जीवन के भोग भोगेंगे, आपके लिए ग्रंथ है, आपके लिए भगवान की वाणी है, उनके लिए सिंपल सी किताब है, वो उनके लिए पैसा कमाने का नाम कमाने का साधन है। पंडित को सोचो कि गोपी तो ऐसा नहीं है, उसके पास में क्या आपकी उम्र का ध्यान है क्या, जैन धर्म के 3 लक्षण रह गए हैं, देव दर्शन, रात्रि भोजन क्या और पानी छान पीने का 3 नियम का पक्का है क्या वो, अगर 3 नियम उसके हैं तो अधिकार है, बिठाओ मंत्री गद्दी पर चौकी पर, सुनो उससे कुछ, फिर आगे 6 चीजें और होती हैं, देव पूजा गुरु पाद्य श्रद्धा संयम तप और दान, यदि मैं बहुत भगवान समझता हूँ उनके बारे में महाराज जी ऐसा बोलते हैं, ऐसे भिड़क जाते हैं, इतना बुरा छोड़ जाते हैं, इतना बुरा मुझे बदला निकालते हैं चीजों में, बोलते हैं लोगों की संगति अगर होती है
लोकी मतलब कौन? जिनकी आत्मा पे धर्म का रंग नहीं चढ़ा है। प्रथम चरणम चरणम द्रव्यम नमः, ये क्रम होता शास्त्र पढ़ने का। फिर सबसे प्रथम शास्त्र हो, प्रथम शास्त्र पढ़े नहीं आपने? दुनिया भर के पुराण हैं, दुनिया भर के चरित्र हैं, वो तो पढ़े नहीं आपने? आप सीधा कूद गए समयसार के ऊपर। ये समयसार पढ़ने के मनाही बिल्कुल नहीं, क्रम भी तो उसका होता है ना। तुमसे एएमबी की पढ़ाई करना शुरू कर दोगे? अभी लोगों से पूछो, समयसार सुनने वाले सुनाने वाले से पूछो, कितने नए होते हैं, क्या व्यवस्था होती, नहीं बता पाएंगे आपको, नहीं समझा पाएंगे आप। बात इस चीज की चल रही है कि आपके स्वाध्याय में क्रमिकता होनी चाहिए। आप जहां जिस भूमिका में बैठे हुए हैं उसी भूमिका के हिसाब से आपकी कौन कौन से कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का फर्जों का आपने पालन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो पढ़ने का हक तो है, लेकिन पढ़ाने का सुनाने का आपको अधिकार नहीं। कितने बड़े महान पंडित हो जाओ, 200-500 हजार किताबें लिख के डाल दो, लेकिन अगर आपके पास में शाओनी निर्यात आपके द्वारा नहीं हो रही है, ना पूजा कर रहे हैं, ना अभिषेक आपके द्वारा हो रहा है, तो टाइटल पंडित क्या मतलब इसे ज्ञान का? बताओ आप, ये किताब थोड़ी है, तो विदेशी व्यक्ति थोड़ी है, क्यों पीएचडी करने के डिग्री पाने के लिए, पैसे पाने के लिए, अच्छी प्रमोशन पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आत्मा की उपलब्धि चाहिए। और आत्मा कैसे मिलेगी? आत्मा इस तरह से मिलेगी, पढ़ो शास्त्र को पढ़ो। अगर मात्र समय साल पढ़ा जाएगा आदमी भटक जाएगा। तो यहाँ नारायण साहब उन्हीं को खुद आचार्य ने लिखा है, और भी ढेर सारे ग्रंथ जिनागम में हैं, मात्र लोकी लोकी खाओगे, मात्र ठंडा ठंडा खाओगे, मात्र भिंडी भिंडी खाओगे, मात्र टमाटर टमाटर खाओगे, तो उस वस्तु में या एक ही फल खाओगे, एक ही सब्जी खाओगे, उस वस्तु में उस फल में जो पोषक तत्व होगा। पाठ भेद क्या होता है कि पुराने जमाने में लिखते नहीं थे,
जमाने में इंटरनेट इतनी सुविधा नहीं थी, उस जमाने में हाथ से ग्रंथ लिखवा लिखा करके दान करते थे। सेठ जी के मन में आया कुछ दान को दान करना है, सुंदर राइटिंग वाले को बुलाया या खुद ने ही लिखा और लेकर इसे मंदिर पर रखवा दिया। फिर दूसरे ग्रंथ को देखा, बढ़िया ग्रंथ है, इससे बढ़िया अच्छी बात है नहीं है, उनने खुद ने लिखा है, किसे लिखवाया और किसी मंदिर जी ने दो 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 कॉपी बनवाई, चार छह कॉपी बनवाई अलग अलग, वो साथ को रखवा दिया। इस तरह से परंपरा चलती है। उस जमाने के अंदर ऐसा इंटरनेट का जमाना नहीं था कि इस मंदिर में शास्त्र में क्या छपा है, उस मंदिर में शास्त्र में क्या छपा है, इस लाइब्रेरी के शास्त्र में क्या लिखा है, उस लाइब्रेरी के शास्त्र में ऐसा विविध खूब सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। तो जो मिला जैसा बना लिख दिया पहुंचा दिया। तो माताओं की गलती बड़ी सामान्य सी चीज है। अतः शांतिशाली जी महाराज आपको नहीं मालूम होगा, गुरु को अगर स्वाध्याय में मालूम असंज क्या शब्द था, असंजत शब्द था, बड़ा भारी विवाद हुआ, बड़ा भारी विवाद हुआ, इस शब्द को रखा जाए कि नहीं रखा जाए, बड़ा भारी विवाद हुआ इस बात को लेकर, बहुत खतरनाक ढंग का विवाद हुआ। अच्छा विद्यासागर जी महाराज विद्या अकिंचित कर है, उन्होंने कह दिया, बड़ा भारी विवाद हुआ शिष्य के ऊपर, विद्वानों की टोली टोली जत्थे के जत्थे अतिथि झाँक पहुंचते वहां पहुंच जाते, अतिथि कैसे कह दिया उसको बताओ, उसको दो ग्रुप बन गए, राजनीति में होता नहीं होता है, जैसे वहां बांग्लादेश में दो ग्रुप बन गए, रेट का कूड़ा लेके मार डालेंगे दूसरे की भात करके यहाँ आगे। वही आपसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें धर्म के अध्यात्म को हर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हम धर्म को अध्यात्म को सिद्धांत को शास्त्र को मात्र मात्र आत्मा की शुद्धि का साधन मानेंगे तो ग्रंथों के ऊपर जुल्म हो जाएगा, धर्म के साथ में अन्याय और अत्याचार हो जाएगा। ये ग्रंथ मात्र मात्र आत्मा को शुद्ध बनाने के साधन नहीं है। लोह जीवन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, दुनियादारी के अंदर, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया में क्या फिर शास्त्रों का कितनी बार नशी बोल चुके हैं, अहिंसा 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 अहिंसा, लोग कहाँ पालन कर पा रहे हैं। यहाँ बोलते हैं राजा जी का बोलते हैं, लो ही जड़ संगा दो, लोह जीवन की संगति से महामोहर कुडल तो भाव का शब्द किया है, मुखर बोलते हैं मुखर खाता हर हो जाता है, मुहर बहुत ज्यादा बोलने वाला, इंसान बहुत बोलने वाला बन सकता है, ऐसा इंसान बन सकता है। देवी संगति से मौन नहीं आता है, मौन नहीं रख पाता है, चुप नहीं रह पाता है, ज्ञान का लक्षण होता है। क्या लक्षण होगा ज्ञान का, मेरी बात नहीं सुनना, नहीं बात करना तो मौन हो जाऊंगा, नहीं इसे कैसे मौन हो जाऊंगा, पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, कैसे मौन नहीं आना। जैसे बोलते हैं महावाचाल, अंग्रेजी में वाचाल को क्या बोलते हैं, ओरल डायरिया, डायरी मतलब क्या होता है, दस्त, दस्त लग जाते कितनी तकलीफ होती है, खुद को भी दूसरे पुराने जमाने के वैसे ब्लड सिस्टम नहीं होते थे, कितनी तकलीफ होती थी, एक ही घर के अंदर चार छः आठ दस लोग एक ही उसमें जाना है, तो वहाँ दस बार गंदा करके बिगाड़ के आ रहा है, कोई चार बीमारी है, कोई जान तो थोड़ी ऐसा कर रहा है, अब वो दस बार बीस बार जा रहा है, बाकी उन लोगों को भी जाना है, मान लो सुबह का टाइम है, मान लो मंदिर आना है, फिर कैसे मान लो सबको दुकान से जाना, सबको सबको आम से जाना, कितना दिक्कत हो जाती है। तो जो बहुत वाचाल होता उसकी बात कही गई है, कुटिल कुटिल मतलब कुटिल तो भाव दुर्भाव युक्त हो जाता है। कौन सा आदमी जो लौकिक जनों की संगति करता है, लोग के मतलब ये नहीं होता कि स्वाध्याय नहीं करे वो लौकिक, लौकिक का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई पूजा पाठ नहीं करता, लौकिक आम इंसान नहीं, लौकिक का मतलब होता दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं, वो लौकिक जन होता है। और ऐसा लौकिक व्यक्ति अगर स्वाध्याय कर ले तो सोने में सुहागा पैदा हो जाता है। ये लोग बोलते महाराज जी हम तो गौशाला में जाते हैं, हमारा अच्छा मन लगता है, ये तुम्हारी क्रियाएं पूजा पाठ ये क्रिया कांड हमको नहीं जमता है। अच्छी बात है, आप गौशाला में जा रहे हैं, आप अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, आप मोटे भिखारी को भोजन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य आपके जीवन का, लेकिन साथ ही साथ ग्रंथों का भी स्वाध्याय कर लेते हैं, साथ ही साथ गुंडा के चरणों में भी बैठ जाते हैं अगर आप,
तो कितनी बड़ी कितनी ऊंची कितनी अच्छी बात हो जाती पता होगा। कितना बड़ा जीवन में चमक पैदा करती, सोने में सुगंध, सोने में सुहागा पैदा हो जाता। ध्यान दर्शी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुहर कुडल तो भावो, बहुत वाचाल हो जाता है। अच्छी तरह जांच परख करके, पड़ताल करके, देखभाल करके, मराठी भाषा में क्या बोलते गुजराती, जो बोलते जो मतलब देखो, जो जो गुजराती जो मतलब देखना होता है, मतलब जो ही भी प्राकृत भाषा सब भाषाओं की जन सबकी माँ है। माँ जितनी भाषा निकली है वो सारी यहीं से निकली, यहीं से निकली है। ला ला ये उर्दू में नहीं होता है, कर्नाटक में इल्ला मतलब नहीं होता है। ढेर सारी चीजें कई, जैसे यूथ 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 ये अंग्रेजी का शब्द है पर रियल में हिंदी का शब्द है। जूस 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 को लेना शब्द है, जूस अंग्रेजी का शब्द है नहीं, ये संस्कृत का शब्द है। वहां यूथ शब्द यूज है, यह का क्या हो गया, भाषा बदल जाती है। जैसे वो हिंदू सिंधु को हिंदू है ना, सुना होगा आपने, मालूम होगा आपको, सिंधु वो विदेशी लोग हिंदुस्तान में इधर आए, भारत की तरफ आए, तो सिंधु नदी को पार किया, तो वो सिंधु का स शब्द उनकी भाषा में नहीं था, स शब्द नहीं उनकी भाषा में था, तो वो स को ह बोलते, तो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हिंदू शब्द बोलने लगे। असली में सिंधुस्तान था, सिंधु शब्द था, बहुत बड़ी सिंधु नदी, बहुत बड़ी नदी थी। आज भी सिंधु बोले सिंधी समाज, सिंध है ना, सिंध आज भी सिंध शब्द यूज होता है। ध्यान दृष्टि बोलते हैं, बहुत देखभाल कर लौकिक जनों की संगति को लूए समझाओ। तिपि है मुंचा हो, मुंचा हो मतलब क्या, छोड़ दो, ये छोड़ दो, तीन प्रकार से छोड़ दो। तीन प्रकार कौन सा, मन से, वचन से, काल से छोड़, बस। दूसरा कुछ धर्म अध्यापन, एक धर्म अध्यात्म जिसे देख चीज सीखनी है, कौन सी चीजें हो, ये हमारे परिवार और इन किताबों पर कितनी सारे टीकाकर पड़ी हुई है, कितने सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से अपने अपनी भाषाओं में अपने अपने सिद्धांतों का पोषण करने के लिए, अपनी मान्यताओं की पुष्टि करने के लिए इन्हीं ग्रंथों का आपसे सहारा लिया है। लेकिन जो विद्वान जन होता है वो पढ़ता है भी मूल श्लोक में क्या लिखा हुआ है, आचरण टीका किसी आचार्य ने लिखी है तो टीका में आचार्य में क्या लिखा है, अगर टीका किसी आचार्य प्रणीत है तो टीका में क्या लिखा है, एक शब्द का अच्छा इन पंडित जी ने, इन विद्वान ने इस शब्द का ये वाला मतलब निकाला है, या किसी दूसरे पंडित जी ने, या किसी दूसरे विद्वान ने, या किसी दूसरे आचार्य ने कोई दूसरा मतलब भी बताया है क्या, अगर है उसको भी पढ़ो, उसका भी अध्ययन, उसका भी स्वाध्याय करो, ये दोनों को तौल करके देखो, दोनों का चिंतन मंथन मनन करके देखो। आपने कहीं किसी एक पंडित जी को पकड़ लिया, आपने कहीं किसी एक आचार्य को पकड़ लिया, तो दिक्कत समस्या पैदा हो जाएगी। मैंने सुबह उदाहरण दिया कि कहा आदिनाथ भगवान हमारे मंदिर के मूल नायक भगवान है, सेवा करो, पूजा करो, आराधना करो, साधना करो, अच्छी बात है, सौभाग्य आपके जीवन का। लेकिन पास में शांतिनाथ जी तो बैठे हैं नहीं, उनसे कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। हम तो एक मात्र इसी ग्रंथ को पढ़ेंगे, दूसरे ग्रंथ में क्या लिखा है हमें से कोई लेना देना नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। पता नहीं क्या मतलब, क्या दोनों हाथ का उपयोग होता है, एक बड़ी सांप का तो एक बड़ी, दोनों हाथ का उपयोग होता है। इसी तरह से जनाते जो चार अनुयोग कहेंगे, प्रथमम करणम चरणम रव्यम नमः, चारों अनुयोग का भली भांति अध्ययन आपके द्वारा होना चाहिए। किसी एक भी पद कई लोगों ने पढ़ना जो गलत है, खराब है, किससे कहानी है, किससे कहानी धर्म थोड़ी होते हैं, किससे कहानी नहीं पढ़ना चाहिए, खड़ा निषेध किया। पढ़ना मतलब क्या, जो अपने पुराण है, चरित्र है, इनका अध्ययन स्वाध्याय, सिर्फ तत्व की बातें करो, सिर्फ तत्व की बातें करो, मात्र 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 आत्मा की बातें करो, प्रथम नियम नहीं पढ़ने का, ठीक है भैया। अब उन्हीं पंडितों ने, उन्हीं विद्वानों जो चिल्लाते थे कि पंडित नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हीं पंडितों ने
उन्हीं पद्म पुराण का सारा लेकर के उसी जैन रामायण के सारे से ढेर सारी कहानी वाली किताबें लिख दी। जैन धर्म की कहानियां और रामायण की कहानियां ढेर सारी किताबें लिख दी। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ढेर सारी जैन उन्हीं अनियोग प्रथमानियोग की किताबों से कहानियां छांट छांट के चुन चुन करके अपने सिद्धांतों का रंग लगा लगा करके अपनी मान्यताओं का अपनी धारणाओं का पुष्टि पोषण करने के लिए उन्हीं विद्वानों ने उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करके फिर एक नई नई किताब लिख दी। हाँ, ये वाली किताब पढ़ो। वो आर्जन लिखा था वो किताब नहीं पढ़ने का, क्योंकि उसमें से किससे कहानी है, तुम्हारी किताब में किससे कहानी नहीं है क्या? बताओ ना। नहीं नहीं, उसने भी प्रास्ता नहीं हिलन दिया। तुम आर्जन से बाबा दिमाग का लिया हो क्या? आर्जन से ज्यादा दिमाग का लिया। बताओ आप कहाँ तो मन को खींचना पकड़ना वो लोकेजन है, वो उल्लास में रात रवि में उसका मन लगा है, कैसे उसके मन को खींचा जाए धर्म की तरफ, और जब मन धर्म में उसका आ जाए लग जाए तो फिर कैसे उसके मन से वासना को विषयों को हटाया जाए, आसक्ति को निकाला जाए और कैसे उसे वैराग्य की तरफ उसे आगे बढ़ाया जाए, वो सारी चीजें ग्रंथों के भीतर है। हमारे आचार्य मात्र आचार्य नहीं थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे, बहुत बड़े गजब मनोवैज्ञानिक थे। समय आएगा तो इस विषय फिर से चर्चा उठाऊंगा कैसे मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान की बड़ी बड़ी रिसर्चें हुई, करोड़ों करोड़ की रिसर्च हुई है, करोड़ों करोड़ डॉलर हर साल खर्चा हो रहे, तो वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे हमारे आचार्य बहुत पहले पहुँच चुके थे। समय साल की गाथाओं पर से जो उन्होंने आचार्य की कृपा रही, गुरु की दादा गुरु संपत्ति साल की गुरु की कृपा रही, गुरु जी सुनी साल की माँ की कृपा रही, कुछ चीज़ मैं काली के लिए बताऊँगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डर, फियर, दुनिया कैसे दूर होता है, भूतकाल की घटनाओं को कैसे हम दिमाग से निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है, वो बड़ी गजब विधियाँ जो विदेशी वैज्ञानिक लाखों लाखों रुपये देकर सिखाते समझाते पढ़ाते बताते हैं, वो सारी विधियाँ हमारे ग्रंथों में हैं, लेकिन हमारे इतना छोटा दिमाग है, हमारी इतनी छोटी सोच है। नहीं, इस ग्रंथ का मतलब माता आत्मा पुरुषों को बनाने से है, अभी बात नहीं होगी, माँ को कोई बात सारी बात होगी, ऐसा नहीं है भाई। ग्रंथ जो होते हैं पूरे समाज के लिए संस्कृति का दर्पण आईना हुआ करते हैं। समाज में कहाँ कौन सी समस्या पैदा हो रही है, कौन सी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, छुपे रूप में, कहीं स्पष्ट रूप में, कहीं इशारों के रूप में, विभिन्न स्तरों पर आचार्य ने उन चीजों का उल्लेख किया है। पहचान वाले से पहचान जाते हैं, समझ समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं तो फेड़ा फड़ा कर देते हैं। हम प्रार्थना बार बार करते हैं, कई बार आपको बोला हूँ मैं, आइए अंतिम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, साथ दोहराएं, फिर मौन करें, गुरु मां को अपने गर्भी पर प्रस्थान करें। हम जोड़ी बंद करिए, परमात्मा हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जनवाणी का अध्ययन करते समय, शास्त्रों का अध्ययन करते समय हमें ऐसी बुद्धि दीजिएगा कि जो अर्थ छुपा हुआ है, जो अर्थ आज तक मैंने या किसी और ने आज तक नहीं समझा है, कि परमात्मा वो अर्थ आज मेरी समझ में आए, इसी कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कल सुबह शाम तक मौन ध्यान में लेता हूँ और मुंबई से लॉकडाउन का लड़ चीज के लिए कितने बजे, 6:30 नहीं, 6 बजे निकल जाता है ना, गलती से 6:30 शायद हो, 6:30 बोल रहा हूँ शायद मैं, तो 5:30 तक के लिए ना उजाला होने तक, 5:20 तक, अच्छा भरपूर उजाला, 5:20 तक के लिए मैं इस मंत्र के बाहर जाने का क्या यह विधि